गाइस, आज मैं जा रहा हूँ KTM के शोरूम नई बाइक एडवेंचर 390 को देखने। और तो मैं सबसे पहले आपको इसका एक वॉक अराउंड दूंगा। फ्रंट से ये बाइक तो ड्यूक 390 जैसी ही दिखती है और इसका जो विंडशील्ड है ये एडजस्टेबल है। और आपको अगर चाहिए तो आप इसको कोई थर्ड पार्टी विंडशील्ड भी लगा सकते हो आउट ऑफ मार्केट से। और ये जो फीचर है ये बस आपको एडवेंचर 390 में ही मिलेगा। गाइस, इसके जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है। नॉर्मल एडवेंचर बाइक्स में ट्यूब टायर आते हैं, बट इसमें ट्यूबलेस टायर है। और इसका जो ये जो शॉक ऑब्जर्व है ये WP गार्ड के साथ आता है, अप्स एंड डाउन फोक के साथ। 390 का जो रेडिएटर, इसमें ड्यूअल फैंस दिया हुआ है बिकॉज एडवेंचर बाइक्स मोस्टली बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है और इसमें ड्यूअल फैंस होने की वजह से ये बाइक जल्दी हीटअप नहीं होगी। गाइस, ये एडवेंचर 390 का इंजन गार्ड है ताकि आपकी गाड़ी के इंजन को कोई हार्म ना हो। और गाइस, ये इस गाड़ी का फुटरेस्ट है जो हम लोग को अगर निकालना हो तो हम निकाल के साफ करके फिर से फिट भी कर सकते हैं, तो ये एक फंक्शन इसमें अच्छा दिया हुआ है। गाइस, ये जो एग्जॉस्ट है दिखने में तो बहुत बॉम दिख रहा है, बट इसका आवाज़ ड्यूक 390 जैसे ही ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद बात करें बैक डिस्क की, तो ये ABS के साथ आती है और हमें चाहिए तो हम इसका ABS ऑफ करके ऑफ रोडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। गाइस, ये इस बाइक का कूलेंट है। नॉर्मली KTM के बाइक में कूलेंट टैंक हमारे फ्यूल टैंक के इधर ही होता है, बट इस बार जगह शिफ्ट करके उसे इंजन के पास प्लेस किया है। गाइस, एडवेंचर 390 में सबसे बेस्ट फीचर है क्विक शिफ्टर जो हमें अप्स एंड डाउन दोनों गियर शिफ्टिंग के टाइम में काम आएगा। तो गाइस, अभी बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसका TFT डिस्प्ले सेम ड्यूक 390 जैसा ही है। इसमें हमें सब डिटेल्स मिलता है, ट्रिप टाइम, डेट, बैटरी, गियर इंडिकेशन, रोड मोड, बाद में साइड स्टैंड लगा हुआ है तो वो भी दिखाता है हमें। और गाइस, इसमें जो मोड है हम ये सेट बटन से इधर से हम सब चेंज कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। फर्स्ट गाइस, इसमें डिफरेंट ट्रिप मोड है तो हम सेट करके नो सब मोड सेट कर सकते हैं, ट्रिप मोड गियर। तो गाइस, बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे इस बाइक का हाइट, तो मेरा है 5.8 इंच है और ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बट मैं सजेस्ट करूँगा जिनका हाइट 5.6 या 7 है वो लोगों को ये बाइक में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप लोगों को ऑफ रोड के लिए ये बाइक थोड़ी कम्फर्टेबल है, जो 5.7 से अबव है वो लोगों के लिए बाइक बहुत ऑसम होगा। तो गाइस, मैं अभी आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। तो गाइस, ये थी एडवेंचर 390। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। टाटा, बाय।